ये है इंदुलेखा भृंगा हेयर ग्रोथ ऑयल, जो कि मार्केट में मिलने वाले बाकी दूसरे 1500, 1000 और 1800 वाले महंगे तेल से कई ज्यादा बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके लिए इंदुलेखा हेयर ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स है और इसका रिव्यू, इस ऑयल को बालों पर किस तरह से लगाना चाहिए जिससे कि इसके एक्चुअल फायदे आपको मिल सके, तो आइए जानते हैं। इस ऑयल की कीमत है 234 रुपए और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50 ml। और हाँ, 50 ml के इस पैक को आप अपने बालों पर एक महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इंदुलेखा हेयर ऑयल हम काफी लंबे टाइम से अपने बालों पर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका उतना अच्छा रिजल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिला है। और ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि इस ऑयल को लगाने के दौरान हमसे कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो इस ऑयल का आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब कई लोग ये भी गलती करते हैं कि शैम्पू करने से बस थोड़ी सी देर पहले इंदुलेखा हेयर ऑयल को अपने बालों पर लगा लेते हैं और उसके बाद शैम्पू कर लेते हैं। इस तरह से इस ऑयल को अपने बालों पर लगाएंगे तो इसका कोई भी इफेक्ट आपके बालों पर नहीं होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये ऑयल एक ट्रीटमेंट ऑयल है, यानी कि इसे एज ए मेडिसिन की तरह आपको अपने बालों पर इस्तेमाल करना होता है। दूसरी गलती आपको ये भी नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि आपके बाल थोड़े से गंदे हो गए हैं, बालों में पसीना या फिर मेल हो गया है और आपको शैम्पू करना है, तो आप शैम्पू करने से जस्ट थोड़ी देर पहले बालों में आप ये वाला इंदुलेखा हेयर ऑयल लगा रहे हैं। अगर आप इस तरह से भी इस तेल को बालों पर लगाएंगे तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही आपके स्कैल्प में इम्प्यूरिटीज और डर्ट मौजूद है, तो ऐसे में ये तेल आपके बालों के जड़ों में जा ही नहीं पाएगा। इस तरह के स्कैल्प में अगर आप ये वाला इंदुलेखा ऑयल लगाएंगे तो आपको और भी ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो सकता है। जब आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन होगा, आपके जो पोर्स हैं जिस तरह से हमारी त्वचा पर होते हैं ठीक उसी तरह से हमारे हेयर फॉलिकल्स स्कैल्प में भी होते हैं, वो खुले होंगे, और ऐसे में आप इस ऑयल को अच्छे से लगाएंगे तो ये जो ऑयल है ये आपके बालों की जड़ों के अंदर जा पाएगा और जितने भी हर्ब्स हैं वो अच्छे से आपके बालों की जड़ों पर और आपके स्कैल्प पर काम करेगी, जिससे कि आपका जो हेयर फॉल है वो इस ऑयल को लगाने के दौरान कंट्रोल होगा और आपके न्यू हेयर ग्रोथ फॉलिकल्स भी बनने लगेंगे। अब जो लोग ये कहते हैं कि शैम्पू करने से सिर्फ आधे से एक घंटे पहले भी अगर आप ये वाला इंदुलेखा हेयर ऑयल लगाएंगे तो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ आपका ऑयल और आपका पैसा बर्बाद होगा, इसीलिए आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इंदुलेखा के इस हेयर ऑयल को मैं ज्यादातर अपने नाइट हेयर केयर रूटीन में ही शामिल करती हूँ। जब मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करना होता है तो इस ऑयल को मैं रात में ही अपने बालों पर लगा करके सो जाती हूँ, जिससे कि ये मेरे बालों पर अच्छे से काम कर सके। ऑयल हमेशा क्लीन स्कैल्प में मसाज करते हुए लगाना चाहिए। वैसे तो इसमें ये वाला कॉम एप्लीकेटर भी दे रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ऑयल ज्यादा वेस्ट भी होता है और ठीक से लग नहीं पाता है, इसीलिए मैं फिंगर टिप की मदद से ही इसे लगाती हूँ। रही बात शैम्पू करने से थोड़ी देर पहले या एक या आधे घंटे पहले हेयर ऑयल लगाने की, तो ऐसा आपको सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपको इंस्टेंट अपने बालों पर कंडीशनिंग चाहिए होती है, लेकिन ऑयल का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो आपको इंस्टेंट लगाकर नहीं मिल पाता है। इंदुलेखा हेयर ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये हमारे बालों पर किस तरह से काम करता है। इसमें है भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी और बादाम के औषधीय गुण। भृंगराज बालों का झड़ना रोक कर बालों को जड़ों से पोषण प्रदान कर सफेद बालों को होने से रोकता है। आंवला, ब्राह्मी और बादाम में विटामिन ई, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाकर बालों को बढ़ने में मदद करते हैं। इस ऑयल की स्मेल भी बाकी दूसरे हेयर ऑयल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि लगाने के दौरान आपको हेडक जैसी प्रॉब्लम हो। इंदुलेखा का ये वाला ऑयल मेरे लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मैं इस ऑयल को बहुत बार अपने बालों पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मैंने इसका रिव्यू भी शेयर किया है। इस ऑयल ने सच में मेरे बालों पर काफी अच्छे से काम किया है, जिससे कि मेरा जो एक्सट्रीम हेयर फॉल था वो कई हद तक इस ऑयल से कंट्रोल हुआ है। इंदुलेखा हेयर ऑयल के अलावा मैंने इसके शैम्पू का भी रिव्यू वीडियो बनाया है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।